हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंडोल में और पंडोल में मेरे साथ है इस बार के एमएलसी कैंडिडेट श्री सुबोध मंडल साहब। आइए उनसे मैं बात करता हूं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुबोध मंडल है और सामाजिक कार्यक्रम में लगा हुआ हूं। इस बार मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी जीत की कितनी संभावना। देखिए, जीत की संभावना जो जन समूह है वो आप बताएंगे ना। हम तो कैंडिडेट है, कैंडिडेट तो हर आदमी विद्यार्थी अगर परीक्षा दे के आता था गार्जियन को बताता है कि पूरा के पूरा अंक मिलेगा जी, तो अंक देने वाले तो आप लोग हैं जी। कि जो जन समूह है, जो जब जहाँ जहाँ जो आवाज़ आ रही है, जो वातावरण है, उस चीज़ को तो आप बताएंगे, मेरे से बेहतर तो आप बता सकते हैं। आपके जीत का, आपके इलेक्शन का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा क्या है, कुछ बताएंगे? मेरा मुद्दा यह है कि जो भारत का जो संविधान है, हर आदमी को वोटिंग करने का राइट है, उसको मजाक उड़ाया जा रहा है, माखोल उड़ाया जा रहा है कि जो अधिकार है वो अधिकार आप जनप्रतिनिधि को आप कंपेयर करने दीजिए, ईमानदारी में काम करने के तरीके के, जो जनता के प्रति कितने समर्पित है वो नेता। अभी खरीद फरोख्त तो मैं नहीं कह सकता, मैंने देखा नहीं कि खरीद फरोख्त तो मैं क्यों उसमें जाऊँ, लेकिन जो सिस्टम है, जो हवा चलती है, तो हवा चलती है तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है जी। तो उसमें मैं दुखी हूँ जी कि लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहे हैं जी, डॉक्टर लोहिया का नाम ले रहे हैं जी, कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो भी दुखी होंगे, स्वर्ग में वो दुखी होंगे कि वो लोग जो मधुबनी जिला में या पूरे बिहार में जो भी कुछ कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं व्यापारी नहीं हूँ जो व्यापार करने आऊँगा और खरीद बिक्री करूँगा, समाज के सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। ये मेरा एक आखिरी सवाल ये है सर कि जैसे इसमें आपके जो वोटर होते हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि के वोटर होते हैं, पंचायत इलेक्शन के जो वोटर होते हैं, वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद के मेंबर तक, तो मेरा ये सवाल रहा कि आप जीतने के पश्चात इन लोगों की सुविधा के लिए या इन लोगों की भलाई के लिए या इन लोगों के उत्थान के लिए क्या करना चाहेंगे जीत के पश्चात? मैं डे वन से, जब से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश में डॉक्टर मदन मोहन झा, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर शकील अहमद साहब, प्रेमचंद मिश्रा साहब, कृपानाथ पाठक जी, हरखू झा जी, तमाम जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी, उनको आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार का न्यूनतम मजदूरी दर, जैसे मैं हमेशा बोला हूँ कि 645 रुपये प्रतिदिन है जी, तो जब मजदूरी 645 रुपया प्रतिदिन है तो वार्ड मेंबर एक प्रतिनिधि जीत के आए हैं, उनको 500 रुपये मासिक वेतन क्यों जी? तो ये तो अन्याय हो रहा है, ये तो सरासर अन्याय है जी। ये वो जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो बड़ा हो, समान बराबर की होनी चाहिए। तो इनका मानदेय के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा, जिसमें मैंने अपना रखा हुआ है कि 10,000 रुपये वार्ड मेंबर को प्रतिमाह मिलना चाहिए, साथ ही साथ 5 साल तक जब तक वो पोस्ट पर हैं, अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है, तो उनके परिवार को 1 नौकरी और 1 करोड़ रुपये मिला जाए जी। दूसरा, पंचायत समिति को 20,000 रुपये प्रतिमाह होना चाहिए, और सेम कंडीशन जो हमने बोला है कि कोई अगर घटना हो जाती है तो उनके परिवार का भी ऐसे ही 25,000 रुपये मुखिया जी का, और सेम कंडीशन लागू हो, 35,000 रुपये जिला परिषद का 5 साल तक जब तक पोस्ट पे हैं, अगर रिपीट करते हैं दोबारा जीत के आते सेम ही कंडीशन रेगुलर होना चाहिए, ये मेरा सरकार से मांग रहेगा जी। दोस्तों, इस वक्त मैं बात कर रहा था इस बार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्राधिकृत उम्मीदवार श्री सुबोध मंडल जी से, जो मधुबनी क्षेत्रीय प्राधिकार चुनाव से एमएलसी के पद पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इस वक्त पंडोल में मौजूद हूं और इनसे बात करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने अब इस बार इलेक्शन जो फाइट किया है एमएलसी के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी भूमिका है, और ये इलेक्शन जीतने के पश्चात, चुनाव जीतने के पश्चात जो इनके प्रतिनिधि, जो इनके वोटर हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि है, उनके लिए उत्थान का काम करेंगे। कैमरामैन राशिद इकबाल के साथ हसनैन इमाम, इकबाल इमाम ऑफिशियल के लिए पंडोल, धन्यवाद। दूसरा पत्रकार का लाइन में भी